हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का 21 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको तीनों शिफ्ट का एनालिसिस मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वीडियो को लाने में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं ज़्यादातर टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और वहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप भी अगर आगे की शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर क्वेश्चन भी भेजते रहिए और वहाँ से PDF भी डाउनलोड करते रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करेंगे और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत को भारत के अंदर किसके आधार पर मिलाया गया था? तो यहाँ पे जनमत संग्रह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोइटर बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो ये आपका गले से संबंधित है, यानी कि ये बीमारी जो होती है गले में होती है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका, WHO की रिपोर्ट के अनुसार इबोला प्रकोप से पीड़ित दूसरा सबसे घातक देश कौन सा है? तो कांगो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी। नेक्स्ट आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो यहाँ पे 65 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, 65 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है? तो ये मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली रेलवे सुरंग का क्या नाम है? तो यहाँ पे पारसिक सुरंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो एंथ्रोसाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण यहाँ पे लाल रंग होता है टमाटर का। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? ये 1576 ईस्वी में हुआ था, ये राइट आंसर हो जाएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, जितने भी बच्चों का एग्जाम है तो वो क्वेश्चन भेज सकते हैं आप हमें, या तो फेसबुक पे भेज दीजिए, इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन भेज दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो H2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट, ये CBT टेस्ट मैं आपके लिए अवेलेबल कराया था, 149 रुपीज का ये टेस्ट था। 20 टेस्ट है इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और इसमें GK जो भी आपका एग्जाम में पूछे जा रहा है वो वाली GK और मैथ तो और रीजनिंग यहाँ पे इसमें कवर की गई है। अगर आपको इस पे डिस्काउंट लेना है 30 रुपये का, अगर आप टॉपिक स्टडी के सब्सक्राइबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो आप इस कोड को भर के 30 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी कि आपका टेस्ट हो जाएगा 120 रुपये में। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के चैप्टर बिल्कुल वही जो आपका कल पैटर्न रहा है वही आज भी रहा है। यहाँ पे रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, श्लोक से भी आपके क्वेश्चन आए हैं, मिरर और वोटर इमेज से भी क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, क्लॉक से क्वेश्चन मिला है, कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है जहाँ तक बच्चों ने बताया है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर का भी एक क्वेश्चन था, सीरीज से भी क्वेश्चन है, एनालॉजी से भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अब एक क्वेश्चन की जो मिला है मुझे, वो है कि गलत संख्या का चयन कीजिए। एक सीरीज आपको दी थी जिसमें लिखा था 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63, इसमें आपको गलत संख्या का चयन करना था। तो इसमें सभी में एक सीक्वेंस चल रहा था कि जैसे ये 2 का स्क्वायर -1 है तो 4 माइनस 1 3, तो 3 का स्क्वायर 6 और 9 और 9 में से -1 करेंगे तो 8, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 में से -1 करेंगे तो 15, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, -1 करेंगे तो 24। इसी तरीके से यहाँ पे 6 का स्क्वायर होकर -1 करेंगे तो 35 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 34 लिखा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, 7 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और -1 करेंगे तो 48। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, 34, यानी कि ये वाला गलत है।
एक क्वेश्चन था आपका फुटबॉल का मिरर इमेज। तो यहाँ पे फुटबॉल का मिरर इमेज क्या रहेगा, देखिए मैं आपको पहले भी बताया है, जो चीज़ें पास में रहेगी उसको पास में रखिए, जो दूर रहेगी दूर रखिए, बस आपका मिरर इमेज बन जाता है। और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये बनाना नहीं होता है, ये तो मैं आपको पूरा का पूरा बना के दिखाया मिरर इमेज, आपको ऑप्शन से चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो ऑप्शन से तो करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए एल अगर इस तरीके से लिखा है और मिरर यहाँ पे रखा है, तो मिरर के पास कौन सा हिस्सा है एल, मतलब एल का ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला पास में रखिए और ये वाला दूर कर दीजिए। तो इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ए कोई चेंज नहीं होगा, ए को वैसे रखेंगे, बी का आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये वाला हिस्सा मिरर के पास में है। तो यहाँ पे आप इसको इजीली कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी हार्ड है। नेक्स्ट आपका पासपोर्ट को अगर RCWRQTV लिखा जाता है तो बुकलेट को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे इन सभी में +2 चल रहा है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको अल्फाबेट के नंबर्स याद हैं सभी के, तो आप इन इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर लेंगे। जैसे पासपोर्ट लिखा है RCUURQT लिखा है, तो इसमें +2 चल रहा है सभी में, पी में +2 किया, ए में +2 किया, सी यहाँ पे एस में +2 किया तो यू, एस में +2 किया तो यू, पी में +2 किया आर, ओ में +2 किया तो क्यू, आर में +2 किया तो टी, टी में +2 किया तो वी। उसी तरीके से यहाँ पे बुकलेट में भी आप कर सकते हैं, बी में +2 करेंगे तो डी, ओ में +2 तो क्यू, ओ में +2 तो क्यू, यहाँ पे के में +2 तो एम, एल में +2 तो एन, ई में +2 तो जी और एल में +2 तो वी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपका बन जाएगा DQQMNGEV, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन था आपका काउंटिंग फिगर से, तो काउंटिंग फिगर में ये वाले क्वेश्चन जो है, ये वाला जो है मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बस इसमें एक्स्ट्रा ये ऐड कर दिया गया है। तो आपको पता होगा कि इस वाले की ट्रिक क्या होती है और इस वाले की ट्रिक क्या होती है। इस वाले ट्रिक की तो हम क्या बात करते हैं, जितने भी इसमें आपके बॉक्सेस बने होते हैं 1, 2, 3, 4, उनकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 है तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो इसमें 8 है, जब इसमें 8 है तो इसमें भी 8 होंगे। अब ये 8 8 तो हमें पता चल गए, अब इसमें कितने होंगे, मैंने बताया कि जब भी किसी ट्रायंगल को चाहे जितनी भी लाइनों से काट दिया जाए, बस आपको क्या करना है 1, 2, 3 करके उनको प्लस कर लेना है। तो 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 ट्रायंगल इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो इनको प्लस करिए 8, 8, 8 और 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब ये 2 मैंने बताया था जब भी ये दो बॉक्स जुड़ेंगे तो ये 2 ये बढ़ जाएंगे, तो 2 ये बढ़ गए। एक आपका देखिए ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, इसमें एक तो ये बढ़ेगा और एक ये बढ़ेगा, जो कि हमने अभी इसमें काउंट नहीं हो पाया है। तो ये सभी को प्लस करेंगे तो 23 राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 23 बन जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ लाइक करते चलिएगा। यहाँ पे मैथ्स के अगर मैं बात करूँ तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, ट्रेन से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने को मिला है, एवरेज परसेंटेज और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, CISI, एज सिंप्लीफिकेशन और टाइम स्पीड डिस्टेंस। और यहाँ पे देखिए DI का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है और ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, यानी कि एडवांस मैथ बहुत ही माइनर सी, अगर पूछी भी गई है क्वेश्चन तो नहीं पता है, अगर पूछी भी गई है तो एक दो नंबर की ही पूछी गई है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे जितना मैंने कराया है उसमें से बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे बोलना है कि मैथ बिल्कुल डिट्टो वही आई हुई है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मुझे पता चले हैं। एक रेशो का क्वेश्चन था कि यहाँ पे दिया था ए और बी, बी और सी, और सी और डी का रेशो दिया था आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चन में, उसमें आपको ए बी सी डी का मतलब रेशो बताना था। तो मैंने आपको बताया कैसे इसको हम करते हैं, ट्रिक होती है इसकी कि जिसका रेशो दे रखा है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, उसको लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ए का, सबसे लास्ट वाले को करेंगे तो डी का, यानी कि लास्ट में जो भी होगा, बचा बी और सी बीच में। बी और सी का निकालने के लिए इस लाइन के दो और ये वाला मल्टीप्लाई करती है बी का, और इस लाइन का एक और इस लाइन के दो मल्टीप्लाई करती है सी का। तो यहाँ पे ए बी सी डी का यहाँ पे रेशो आपको मिल जाएगा, तो इनकी सभी की मल्टीप्लाई करेंगे 45, इन दो की प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 135, 9 की 7 में करेंगे और 7 की 3 में करेंगे तो 189, और 3 की 7 में और 7 की 7 में फिर करेंगे 147 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये एक रेशो है, अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं चारों के चारों, तो ये आपका रेशो नहीं है, अगर किसी कम नंबर से नहीं कट हो सकते हैं तो ये रेशो आपका बन चुका है। अब ये देखिए 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा 15 टाइम, ये कटेगा 45 टाइम, ये कटेगा 63 टाइम और ये करेगा 49। तो अब ये किसी कॉमन नंबर से नहीं कट हो सकते हैं, तो आपका रेशियो बन के ये आएगा, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था आपको एग्जाम में कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो या
60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी की चाल दी गई है, और यहाँ पे 10 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार कर जाती है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम हमें पता चल गया, स्पीड हमें पता चल जाएगी, क्योंकि ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 की मल्टीप्लाई करके, तो 10 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा स्पीड। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम टाइम निकालते हैं किसी भी खड़े व्यक्ति को ट्रेन पार करके जाती है, तो हमें जब भी टाइम निकालना होता है हम क्या करते हैं, उस ट्रेन की लंबाई को चाल से उसी की चाल से भाग कर देते हैं, तो हमें टाइम पता चल जाता है। टाइम तो हमें पता चल गया उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करके, यानी कि टाइम हो गया 10 सेकंड। लेंथ ऑफ ट्रेन हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, और स्पीड हमारी 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 100 मीटर, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 100 मीटर है। अब पूछा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, तो 60 को और 100 को प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और ट्रेन की जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 160 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 सेकंड में। तो ये 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर जाएगी, 16 सेकंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका, ए की आयु 36 वर्ष तथा बी की आयु 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 36 है और यहाँ पे 16 है, तो यानी कि ए की और बी की आयु 36 और 16 है, तो मैंने लिख दिया। अब पूछे कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का दोगुना होगी, यानी कि ए की आयु बी की आयु के दोगुना होगी। ए और बी की आयु का जो रेशो मिलेगा हमें 2:1 मिल गया। अब हमें बताना है कि ये 36 और 16 कितने वर्ष बाद इस रेशो में बन जाएगी, तो आपको क्या करना है, प्लस प्लस दोनों साइड में एक्स एक्स कर देना है, यानी कि कितने दिन बाद पूछा है तो हमें नहीं पता कितने दिन बाद, मैं उसको x मान लिया और इसमें भी x प्लस कर दिया, इसमें भी, तो इस रेशो के इक्वल कब हो जाएगी, जब ये दोनों x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो बस ये इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की दर करेंगे तो 36 और x, और 2 की दर करेंगे तो 32 और 2x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, x x को एक साइड में ले आएंगे तो x बचेगा, यानी कि 2x में से x माइनस होगा तो x बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 4 मिल गई, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 साल बाद ए और बी की आयु 2:1 के रेशियो में बन जाएगी। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चंस भेज दीजिए जो भी आपको याद है, और वहाँ से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, करंट अफेयर की पीडीएफ डेली अपलोड हो जाती है वहाँ पे, प्लस आपके न्यूज़पेपर, प्लस आपकी जितनी भी रीजनिंग की मैथ की पीडीएफ होती है वो सब कुछ वहाँ पे डेली आपको अपडेट मिल जाता है। कोई भी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो भी वहाँ पे अपडेट मिल जाता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट परचेज करके लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो वो जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए अगर आप उसको लगा के जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।